Social capital. This is the topic for this session. The construct of social capital is interdisciplinary in nature, which mainly covers and deals with the behavior of human beings on the basis of social interactions and relations. Different social scientists describe social capital in different ways. वाई डिस्टिंग सोशल कैपिटल फ्राम अदर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल दैट इज़ कल्चरल एंड इकनॉमिक इट इज़ आर्ग्यूड दैट सोशल कैपिटल इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रिलेशन्स अमंग एंड बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ सोसाइटी यानी हम सोशल कैपिटल को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस माशरे के अंदर लोगों के दरमियान ज़्यादा हम आहंगी होगी वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने सोशल मफादात को रियासत के मफादात के साथ हम आहंग कर हम आहंग करके ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्हें परसू करेंगे तो सोशल कैपिटल इज़ द नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग पीपल हु लिव एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी इनेबलिंग डेट सोसाइटी टू फंक्शन इफेक्टिवली यानी सोशल कैपिटल मुख्तरा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी माशरे के अंदर जो उसकी फंक्शनिंग है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है इट इन्वॉल्व द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ सोशल ग्रुप्स थ्रू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अशर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी यानि वो लोग जिनकी आइडेंटिटी कॉमन हो किसी भी बुनियाद पर उनकी ज़ुबान की बुनियाद पर उनकी नस्ल की बुनियाद पर उनकी आइडेंटिटी कॉमन हो कल्चरल भी हो सकती है अशर्ड अंडरस्टैंडिंग या वो किसी खास मकसद की खातिर उनकी अंडरस्टैंडिंग हो कि उनका एक खास मकसद है जिसे उन्होंने हासिल करना है देन शेयर्ड नॉर्म्स, देन शेयर्ड वैल्यूज़ एंड ट्रस्ट कॉपरेशन एंड कॉमन बिलीव्स सोशल कैपिटल इज़ अइर ऑफ वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्स बोथ टेंजिबल लाइक पब्लिक स्पेसेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी वो चीज़ें जो सामने नज़र आ रही हैं उन पर कंसेंसिस है, वहाँ पर कॉमन मफादात हैं या एंड टटेंजिबल लाइक एक्टर्स ह्यूमन कैपिटल एंड पीपल अब इनटेंजिबल में क्या चीज़ें हैं लोगों को ये पता नहीं होता कि उनको कौन मुतहद कर रहा है सामने नज़र नहीं आती चीज़ें लेकिन किसी मकसद की खातिर वो इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उसको परसू करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट करते हैं तो इससे इसका जो इम्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का जो इम्पेक्ट है वो उसके साथ जब रिसोर्स भी मिलते हैं तो उससे ही लोगों की अपनी ज़ाती ज़िंदियाँ भी इम्प्रूव होती हैं और कुलटिवलीशरे के अंदर एक बेहतर सूरत हाल जो है वो नजर आती है और इसी से ही अल्टीमेटली ओवरऑल जो रियासत की सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें नज़र आती है हम यूं भी कह सकते हैं दैट इफ़ अ लार्जर ग्रुप इन द लार्जर ग्रुप इट इज़ जनरली सीन एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल दैट प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स फॉर अ कॉमन परपज़ यानी अगर हम ये देखें कि अगर किसी जगह पर लोगों की मौशी हालत अच्छी नहीं है और कुछ लोग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए किसी ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं मसलन वो इलाका जहाँ पर गुरबत थी वहाँ पर कोई कलेक्टिव एफर्ट करके कोई कारखाना लगा दिया जाता है या लोगों की हालत को बदलने के लिए कोई प्रॉपर ऐसी एक्टिविटी कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना दिया जाए तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो अपनी मौशी ज़रूरियात को वहीं पे पूरा कर सकें तो इसका अल्टीमेट बेनिफिट तो कुछ इंडिविजुअल्स को पहले लेवल पर होगा फिर वो बेनिफिट कलेक्टिव होगा यानी उसमें ख़ानदानों के मफादार शामिल हो जाएंगे और फिर बढ़ते बढ़ते उस पूरे इलाके के अंदर जो है वो सूरत हाल इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाएगी तो सोशल कैपिटल जो है इसके मुख्तफ तरीके से इसकी वजातें लोग करते हैं खास तौर पर जो पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं उनका ये नुक्ता नज़र है कि सोशल कैपिटल एक ऐसा प्रोसेस है जो कोई एक दिन में तो मुकम्मल नहीं हो सकता इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जहाँ पर जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वहाँ का माशरा वहाँ की रियासत बहुत जल्द अपने हालात में बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन हो जाएगी